खबर उत्तर प्रदेश के सावस्ती जनपद के इकोना कस्बे की है, जहां पर इकोना कस्बे में दुर्गा माता विसर्जन जुलूस की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें भारी संख्या में लोगों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। वहीं सुरक्षा के व्यापक इंतजाम दिखाई पड़े। आप सभी दर्शकों का सबसे तेज खबर सावस्ती चैनल में स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटी का बटन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आपको सबसे पहले मिलती रहे। जी हां, बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के सावस्ती जनपद के इकोना कस्बे की, जहां पर 9 दिनों तक पूजा पाठ के बाद आज शाम के वक्त इकोना कस्बे में शोभा यात्रा निकाली गई, विसर्जन जुलूस निकाला गया, जिसकी सुरक्षा व्यवस्था के लिए व्यापक इंतजाम दिखाई पड़े। चारों तरफ पुलिस कर्मियों की पहरेदारी दिखाई पड़ी। वहीं इस सुरक्षा के बीच भारी संख्या में आसपास के हजारों की तादाद में भक्त पहुंचे, जो माता दुर्गा की प्रतिमाओं के पीछे नाचते गाते डीजे के धुनों पर आगे बढ़ते हुए नजर आए। सावस्ती जनपद के इकोना कस्बे की ये तस्वीरें हैं, जहां युवाओं ने जमकर ठुमके लगाए, वहीं महिलाएं व युवतियां भी पीछे नहीं रहीं। सावस्ती जनपद के इकोना कस्बे की ये तस्वीरें, जहां पर निकाली गई शोभा यात्रा में चल रहे भक्त डीजे के धुनों पर झूमते गाते नजर आए, एक दूसरे पर गुलाल उड़ाकर शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाई। इकोना कस्बे की ये तस्वीरें हैं। बेचुआबा चौराहे पर हजारों की तादाद में लोग मौजूद दिखाई पड़े। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस अधीक्षक अरविंद कुमार मौर्या के दिशा निर्देश पर भारी संख्या में पुलिसकर्मी तथा अन्य सुरक्षा कर्मी तैनात दिखाई पड़े। सावस्ती जनपद के इकोना कस्बे की ये तस्वीरें हैं, जहां पर जोश के साथ विसर्जन जुलूस की शोभा यात्रा निकाली गई। लोगों में बेहद जोश दिखाई पड़ा, डीजे की धुनों पर लोग थिरकते हुए नजर आए। वहीं इस विसर्जन जुलूस शोभा यात्रा को देखने के लिए भारी तादाद में आसपास के ग्रामीण अंचल से लोग इकोना कस्बे में मौजूद दिखाई पड़े।